हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सीबीएसई क्लास 12th के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ जावा नेटबीन्स का एक प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, दिल्ली 2011 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है और ऑल इंडिया 2011 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो 4 मार्क्स के जावा नेटबीन्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊँगा। तो इस वीडियो को हो सकता है मुझे दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है मुझे दो वीडियोस बनाने पड़े, क्योंकि मुझे इसमें डिज़ाइन भी करना पड़ेगा, देन आफ्टर कोडिंग भी आपको बतानी पड़ेगी। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मिस्टर राम किशोर दी ओनर ऑफ किडी लैंड इंटरप्राइजेस हैज आस्क्ड हिज प्रोग्रामर सौम्या टू डेवलप दी फॉलोइंग जीवाई इन नेटबीन्स। ठीक है, राम किशोर जो कि ओनर हैं किडी लैंड इंटरप्राइजेस के, वो अपनी प्रोग्रामर सौम्या को डेवलप करने के लिए देते हैं इस जीयूआई को, ठीक है। डेवलप द फॉलोइंग जीयूआई इन नेटबीन्स, ठीक है। नेटबीन्स में ये जीयूआई बनानी है, ठीक है। तो इसी तरीके का एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम तैयार करेंगे नेटबीन्स के अंदर, और उसके बाद कुछ टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। अब इस जीयूआई में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये मोड ऑफ पेमेंट है ना। मोड ऑफ पेमेंट 3 तरीके का दिया हुआ है, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, मिस्टर राम एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। मिस्टर राम पेमेंट को 3 तरीके के क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू लेंगे। द ऑफर इज गिवन अकॉर्डिंग टू दी, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑफर भी दिया जाएगा। अगर प्लेटिनम रेडियो बटन पे कोई टिक लगाता है तो 20% डिस्काउंट, गोल्ड पे 15%, सिल्वर पे 10%, ठीक है। और एक और ऑफर है, एक तो ये ऑफर है, यूज़र जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट मिलेगा 20%, 15%, 10%। और अगर जो कस्टमर है उसका बिल अमाउंट मोर देन 25,000 होगा तो कस्टमर को एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 5% का। मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा, ये तो सभी कस्टमर्स को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 5% का डिस्काउंट है वो उसी कस्टमर को मिलेगा जिसका बिल अमाउंट 25,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमें कुछ यहाँ पे ये कोड लिखना है जो हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहला हमारा टास्क है, ठीक है। पहले तो मैं इसको जीवाई आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसी तरीके का हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, फिर इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए हमें कोड लिखना है, ठीक है। इन तीनों के लिए कोडिंग करना है, तो मैं आपके लिए ये इंटरफेस तैयार करता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ नेटबीन्स को, अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आईपी प्रैक्टिकल्स, अगर आप आईपी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स के सारे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस अगर आपके आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा चैनल साबित होगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस इसमें अपलोड करने वाला हूँ एक के बाद एक। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेल मिल जाए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके कोई डाउट और सुझाव हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो ये नेटबीन्स ओपन हो चुका है, मैं फाइल में जाके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और उसके बाद
फाइल में जाके न्यू फाइल, देन आफ्टर मुझे यहाँ से स्विंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फाइल में जाके मैंने न्यू फाइल किया, यहाँ से मैं ले लूँगा स्विंग GUI फॉर्म, और यहाँ से आप जे फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, जे डायलॉग भी कर सकते हैं, मैं जे फ्रेम को यूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने इसका क्लास का नाम रख दिया, जैसा कुछ भी मैंने नाम दे दिया, क्लास का नाम मैंने दे दिया IP प्रैक्टिकल 1, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको पहला करवा रहा हूँ, तो मैंने इसका नाम रख दिया IP प्रैक्टिकल 1, और इसको ठीक है फिनिश कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम फटाफट डिज़ाइन तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके सेट लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे नल लेआउट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ कंट्रोल्स ले लेता हूँ, मैं यहाँ डिज़ाइन देखते जाता हूँ। मुझे कुछ लेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने लेबल ले लिया जिसमें मैं नेम ऑफ कस्टमर लिखूँगा। उसके बाद बिल अमाउंट के लिए मुझे एक लेबल चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ लेबल्स रख लिए, ठीक है। टोटल मुझे कितने लेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2, 4, 5, 6, ठीक है। मुझे ये 6 लेबल्स चाहिए। तो 6 मैंने यहाँ पे जे लेबल ले लिए, जे लेबल कंट्रोल्स, और सब पे अब मैं टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। पहले उस पे मुझे लिखना है नेम ऑफ कस्टमर, तो मैंने पहले जे लेबल को सेलेक्ट किया और इसमें लिख दिया नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। दूसरे लेबल को मैंने सेलेक्ट किया और दूसरे लेबल पे मुझे लिखना है बिल अमाउंट, ठीक है। दूसरे लेबल पे मैंने बिल अमाउंट लिखा, और तीसरे लेबल पे मुझे लिखना है मोड ऑफ पेमेंट। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, टेक्स्ट में लिख देता हूँ मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। फोर्थ में मुझे लिखना है ऑफ़र, और उसके बाद एडिशनल ऑफ़र, फिर नेट अमाउंट। तो मैं इसमें टाइप कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑफ़र, देन आफ्टर एडिशनल ऑफर, फिर नेट अमाउंट। ठीक है, ये कुछ मैंने लेबल्स बना दिए, इनको इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके। इनका फॉन्ट फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 18 कर देता हूँ, और बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दें, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स जे टेक्स्ट फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैलेट में जाके मैंने कुछ जे टेक्स्ट फील्ड्स ले लिए। जे टेक्स्ट फील्ड 1, कस्टमर को अपना जो नाम इंसर्ट करना रहेगा उसके लिए एक टेक्स्ट फील्ड, फिर बिल अमाउंट के लिए एक टेक्स्ट फील्ड ले लूँगा मैं, फिर ऑफर के लिए, और एडिशनल ऑफर के लिए, और नेट अमाउंट के लिए। ठीक है, इन सब का साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ,
ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट में मुझे रेडियो बटन्स लेने हैं तीन, ये आप देख रहे हैं तीन रेडियो बटन्स हैं, तो मैं तीन रेडियो बटन्स यहाँ पे ले लेता हूँ। रेडियो बटन वन, फिर उसके बाद रेडियो बटन टू और रेडियो बटन थ्री। तो तीन मैंने यहाँ पे रेडियो बटन ले लिए। ठीक है, और रेडियो बटन्स का मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले मैं प्लेटिनम, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो पहले रेडियो बटन पे मैंने लिखा प्लेटिनम, फिर उसके बाद सिल्वर, और देन आफ्टर गोल्ड। ठीक है, तो ये मैंने तीन रेडियो बटन्स तैयार कर दिए, इनका भी मैं साइज चेंज कर देता हूँ। तो मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको भी एटिन कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड्स में जो डेटा लिखा हुआ है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। टेक्स्ट फील्ड में पहले से जो लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट फील्ड कैसी आए, ब्लैंक आए। तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके टेक्स्ट को हटा देते हैं यहाँ से हम। तो अब डिज़ाइन तैयार हो चुका है, बट तीन बटन्स और लगाने हैं हमें। तीन नीचे बटन आ रहे हैं, कैलकुलेट डिस्काउंट, कैलकुलेट नेट अमाउंट और एग्जिट। तो ये तीन बटन्स मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने तीनों बटन्स ले लिए, और पहले बटन पे लिखा हुआ है कैलकुलेट डिस्काउंट, तो पहले बटन पे मैंने लिख दिया कैलकुलेट डिस्काउंट। दूसरे बटन पे मैंने लिखा कैलकुलेट नेट अमाउंट, और तीसरे बटन पे मैंने लिखा एग्जिट। तो ये हमारा डिज़ाइन तो तैयार हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, नेम ऑफ कस्टमर, बिल अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, प्लेटिनम सिल्वर गोल्ड, ऑफर, एडिशनल ऑफर, नेट अमाउंट, कैलकुलेट डिस्काउंट, कैलकुलेट नेट अमाउंट, एग्जिट। इसका साइज भी मैं, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसका फॉन्ट बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ये तीन हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, हमें बोला है इसके लिए हमें जावा का कोड लिखना है, टू असाइन एडिशनल ऑफर अस जीरो। ठीक है, इसमें बोला है कि जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको शुरू में जीरो रखना है और नेट अमाउंट में भी शुरू में आपको जीरो रखना है। ठीक है, आपको बोला है कि ये जो एडिशनल ऑफर है और नेट अमाउंट, इसमें आपको शुरू में जीरो स्टोर करके रखना है, नेट अमाउंट में और एडिशनल ऑफर में। जीरो क्यों रखना है इसमें, उसका रीज़न आप भी समझ सकते हैं कि शुरू में जो है हमें कोई ऑफर नहीं मिला है और कोई अमाउंट भी, नेट अमाउंट नहीं है। यूज़र जब हम यूज़र का बिल अमाउंट डालेंगे, कस्टमर का बिल अमाउंट डालेंगे और मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ही हम नेट अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे, जब इस वाले बटन पे क्लिक होगा, सेकंड वाले बटन पे।
तो इसीलिए हमें बोला गया है एडिशनल ऑफ़र और नेट अमाउंट में आपको शुरू में जीरो रखना है। तो जीरो रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सोर्स के अंदर जाता हूँ, सोर्स के अंदर भी हम वैसे तो हमें कोड ही लिखना है तो हम सोर्स के अंदर ही जाते हैं, या फिर हम पहले बटन पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट डिस्काउंट पे, और इसकी कोडिंग करने से पहले हम ये वाला कोड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, जे टेक्स्ट फील्ड को, जो जे टेक्स्ट फील्ड 4 है, जे टेक्स्ट फील्ड, ओ सॉरी, जे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हम किसी कंट्रोल के अंदर नहीं है इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो मैं आप देखता हूँ। कस्टमर में हम, मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख के बताता हूँ आपको। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट सेट टेक्स्ट 0। ठीक है, पहले टेक्स्ट बॉक्स में हम शुरू में 0 असाइन कर देंगे, टेक्स्ट सॉरी जे टेक्स्ट फील्ड 4 में हम 0 असाइन कर देंगे शुरू में। इसी तरह हमें जे टेक्स्ट फील्ड 5, जे टेक्स्ट फील्ड 4 था हमारा डिज़ाइन में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जे टेक्स्ट फील्ड 4 है, एडिशनल ऑफ़र और नेट अमाउंट, इसमें भी मुझे 0 सेट करना है। तो जे टेक्स्ट फील्ड 5 जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, जे टेक्स्ट फील्ड 5 डॉट सेट टेक्स्ट, इसको भी मुझे 0 सेट करना है शुरू में, तो इसको भी मैंने 0 सेट कर दिया। उसके बाद ये दो काम मैंने कर दिए, जे टेक्स्ट फील्ड 4 और जे टेक्स्ट फील्ड 5 को शुरू में 0 रखना है पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद एक चीज़ और बोली है मुझे, ऑल्सो सेट देम अस अनएडिटेबल। ठीक है, मुझे क्या करना है, इनको अनएडिटेबल भी रखना है। ठीक है, इनको मुझे अनएडिटेबल रखना है, मतलब कोई इसमें एडिट ना कर पाए, केवल इसको रीड कर पाए, इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो देख पाए, लेकिन इसमें कोई एडिटिंग परफॉर्म ना कर पाए प्रोग्राम चलते समय, जब प्रोग्राम रनिंग मोड में हो। ठीक है, तो इसको हमें अनएडिटेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा जे टेक्स्ट फील्ड 4 को मुझे अनएडिटेबल बनाना है, तो जे टेक्स्ट एडिट, जे टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट सेट एडिटेबल। ठीक है, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर ली सेट एडिटेबल, उसके अंदर मुझे बुलियन वैल्यू पास करनी है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो मैं चाहता हूँ कि एडिटेबल ना रहे इसीलिए मैं इसके अंदर फॉल्स पास कर देता हूँ। इसी तरह दूसरे वाले में भी, जे टेक्स्ट फील्ड 5 को भी मुझे सेट एडिटेबल फॉल्स करना है, तो इसमें भी मैंने सेट एडिटेबल का यूज़ करते हुए फॉल्स दे दिया। ठीक है, और इसको, ये हमारा पहला टास्क परफॉर्म हो गया है जो पहला वाला पॉइंट था। उसके बाद सेकंड और थर्ड वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।